A flash flood warning is in effect for this area until 2 p.m. And this is dangerous and life-threatening situation. Do not attempt to travel. So, good morning, everyone. और अभी ये हमारा दूसरा होटल है. रात हम लोग निकले थे 8 बजे करीबन नायगरा से और यहाँ पे पहुंचे थे करीबन रात के 12:30-1 बजे के आसपास इस दूसरे होटल में. हमारा प्लान था कि यहाँ पे हम करीबन 2-3 बजे से घूमेंगे इस एरिया में. ये क्लीवलैंड एरिया है और जब से हम आए हैं तब से रात से बारिश हो रही है और अभी तो वार्निंग भी आ गई कि फ्लड वार्निंग है और आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए जब तक कि 2 बजे तक. चलो मैं आपको लेकिन एक बार होटल दिखा देता हूँ कि कैसा होटल है और कितने डॉलर में हम लोगों ने बुक किया. तो जो हमारा पहला होटल था इसमें नायगरा फॉल में, तो आप बताना कि कौन सा बेटर है. मेरे हिसाब से तो ये वाला बेटर है पैसे के हिसाब से और जो भी है रूम वगैरह. लेकिन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसा है होटल का रूम. तो अभी थोड़ा सा मैसी हुआ पड़ा है क्योंकि रात हम लोग सोए थे. तो इसमें 2 क्वीन बेड हैं जिसमें कि 4 लोग सो सकते हैं आराम से. बीच में एक टेबल है जहाँ पे आप चार्जिंग पॉइंट वगैरह हैं, चार्ज वगैरह कर सकते हो चीज़ें. और इसके हर एक बेड, दोनों बेड के ऊपर लगी है लाइट जो कि एक रीडिंग लाइट बोल सकते हो पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए छोटी सी. इसके जो सामने एक टीवी है, यहाँ पे एक टेबल है, बीच में एक सोफ़ा है छोटा सा सोफ़ा या फिर बेंच वगैरह टाइप का. और यहाँ पे एक और टेबल है, ये मेरा लैपटॉप है, अभी मैंने क्लिप ट्रांसफ़र किया इसमें. और यहाँ पे फिर एक चार्जिंग पॉइंट और ये हमारे कुछ कपड़े वपड़े पड़े हैं इधर. और रूम के इस साइड में है यहाँ पे वॉश बेसिन और ओ सॉरी ये है एंट्रेंस गेट. और यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह टांग के बाथरूम दिखा दूँ. अबे लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे नहाते हैं यहाँ पे. ये कैसा बाथरूम अलग खोलना है ये? हाँ चलो खोल ले थोड़ा सा. चल बे मैं कैमरा डाल दूंगा. कैमरा डाल देता हूँ. मजाक कर रहा है क्या? चल जब नहाएगा तब खोलेंगे ठीक है. अभी पता होगा तो नहाएगा नहीं. अरे अंदर अच्छा वीडियो आएगा रे. इसमें लोक नहीं है. हाँ पता है सलामी. तो इसकी रूम की जो कीमत है एक रात की वो थी $87 प्लस कुछ टैक्सेस वगैरह, तो $100 के आसपास था. और जो हमारा पहला वाला रूम था ना वो था $200. और बाहर का जो व्यू है, हम लोग सोचे थे कि घूमेंगे आसपास, बहुत सारी जगह है, बीच वगैरह है. हाँ रेड अलर्ट है. तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, ये मेट्रो की पटरी है, रेल देखो मेट्रो आ भी रही है. और अभी हमारा उसे 12 बजे निकलने का टाइम था. अभी नीचे जाके पूछते हैं कि निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं क्योंकि 2 बजे तक की वार्निंग है. बाकी वैसे यहाँ से निकल के भी सीधा हम घर ही पहुँचेंगे. भाई रेड अलर्ट है. रेड अलर्ट है, अंदर मत बैठा रहे भाई. अब कंटेंट. अरे तो सच में रेड अलर्ट आ रहा पता है क्या तुझे? चल नीचे आके ऑफिस में रिसेप्शन पे जाके बात कर. तब तक नहा ले भाई. तू अपना चैनल चलाने के लिए मेरी इज्जत दांव पे लगा देगा. नहीं बे नाले नाले रे नाले रे हाँ तू कॉपीराइट स्ट्राइक मार देना मेरे चैनल पर ठीक है. नहीं भाई नहाऊंगे नहीं मैं भाई. ये इसको हुसैन का आइडिया था बे, मेरा नहीं था, हुसैन का आइडिया था सीरियसली. मेरा हो सकता है क्या भाई? उसके बाद अगर किसी को आइडिया है भाई तो इधर बैठा था. वाह वाह. बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है. नक चले कहाँ पे? चलो भाई अभी चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट. चलो भाई नेविगेट करो रुक मोबाइल पे. अभी मैं सबसे पीछे बैठा हूँ. हेलो हेलो हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन. व्हाट आर यू डूइंग? सो गाइस अभी हम हैं इंडियन डिलाइट रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए. खाना खा के यहाँ से निकलेंगे, कितनी देर में पता नहीं. पहले खाना फिनिश करते हैं.
गाइस खाना वगैरह सब कुछ हो गया है डन, और अभी बस इस शहर को छोड़ने का टाइम आ गया है और अभी सीधा निकलेंगे हम कोलंबस के लिए। बीच में ऑब्वियसली स्टॉप लेंगे एक दो कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए, और बाकी कैसी जर्नी रहती है तो चलो देखते रहो, बैठते हैं कार में और निकलते हैं यहाँ से। कैसी रही मैडम ट्रिप? ओवरऑल है मस्त, मजा आया नक्श, मजा आया। उसको नहीं आया, उसको रोना आ रहा है। नक्श क्यों रो रहे हो? डांट लगा दी थी मैंने, वो देखो गेट हर वक्त उसे खोलता है, बेट टूट जाएगा। वो अपनी कार नहीं है, वो किराए की कार है। पीछे से तू ही बोलेगा क्या भाई कि मैं बोलूं? बोल ना, तू बोल ना। अरे यार तुम यार, भाई तू बोल भाई, भाई एक तो स्टेज क्लियर करवा देते हो मेरे को। देखो भाई, तो हम लोग अभी फंस चुके हैं, ये शुभम भाई ने माना नहीं, और वेदर रिपोर्ट और बहुत सारे अलर्ट मिले हमें, बट हमने नहीं माना, तो अभी हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं हमें कुछ भी दिख नहीं रहे आगे का, विजिबिलिटी जीरो। और ये मुझे शुभम सिखा भी रहा है पूरा ब्लॉग करते हुए कि भाई कैसे कैसे बोलना है, तो देखो आप लोग, बाकी तो यही समझाएगा इन डिटेल। ले भाई कर भाई, तो भैया आप अभी फंस गए हैं यहाँ पे बारिश में, बाहर की विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है जैसा भारत ने आप लोगों को बताया है। और अभी हमने सोचा कि भाई जान है तो जहान है, तो इसलिए एक काम करते हैं, गाड़ी को ऑफ रोड लेते हैं और यहीं पे रोक लेते हैं पार्किंग लाइट लगा के। और भी गाड़ियां रुकी हैं आगे पीछे, लेकिन जो कुछ निडर लोग होते हैं ना, जो खतरों से खेलने की आदत होती है, वो जा रहे हैं और 70 की स्पीड में जा रहे हैं। तो आगे का व्लॉगिंग कंटिन्यू करेगा भारत कारपेंटर, तो उसके नाम के लिए एक काम कर देना, कमेंट सेक्शन में भारत 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 लिख देना, वायरल कर दो लौंडे को। अभी हम आसमान की ऊंचाई, चारों तरफ पानी ही पानी है और हम फंसे हुए हैं चारों तरफ ऊपर से। भाई तू 500 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन पहुंचा दे भाई, पहुंचा दे। नहीं उसने रोक दिया गाड़ी में आ गया। हाँ भाई देखो, सब लोग गाड़ी रोक रहे हैं, कुछ निकल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं धीरे धीरे। हम भी वैसे जा सकते हैं पार्किंग लाइट जलाते हुए, बट बारिश बहुत ही तेज है। ये देख सकते हैं आप छोटी गंगा, बाकी ये कुछ लोगों को देख के आप देख सकते हैं कि उन्हें कितना भरोसा है भगवान पर। आज मेरे को मौका मिला भाई ब्लॉगिंग करने का, आज मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लाउड 9 पे हूँ, और इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई मॉम, माई डैड, माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर एंड माई ऑल माई को स्टार हुए थे, और सभी को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है अब मैं कुछ बोल पाऊँ, तो आपके इस प्यार और सम्मान स्नेह के लिए आपका दिल से आभारी। और कुछ ये देख भाई, वो एडिटिंग में लगा हुआ है आप लोगों के लिए। हेलो गाइस, हुसैन भाई कुछ, चलो भाई निकलते हैं। तो हुसैन भाई बोल रहे हैं कि निकलेंगे, तो पता नहीं कहाँ निकालेंगे, लेकिन देखो निकालने का बोल रहे हैं तो निकलेंगे। अगर आप ये ब्लॉग देख पाए तो समझना कि हम सब पहुंच गए, हम सब जिंदा हैं, और अगर नहीं देख पाए तो मैं भी न्यूज में देख लोगे, मैं भी हो सकता है ना। ओहायो स्टेट में फंसे हैं अभी, हाँ ओहायो स्टेट में फंसे हैं, आ रहे क्या हेलीकॉप्टर शायद ऊपर से आने वाले हैं, हमें बचाएंगे। तो भैया सब एक सुर में बोलो कि हे भगवान, हमने जो भी पाप किए हैं। चलो भाई गाइस, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी एडिटिंग, और थैंक्स टू भारत कारपेंटर की उसने मेरी व्लॉगिंग संभाली, बहुत अच्छे से व्लॉग किया और आपको लोगों को एंटरटेन करने का ट्राई किया इस मुश्किल घड़ी में भी। चलो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग देखने को मिलेगा, आई होप हम पहुंच जाएंगे। तो चलो मैं एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि पता नहीं अभी हम कितनी देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। A few moments later, तो भैया तूफानों से बचते हुए हम फाइनली 7-Eleven पे रुके हैं चाय कॉफी पीने के लिए। यार बारिश हो रही है, इसको उतार लिया अंदर, चलो चलो ना, चलो बाहर। कैसा लगा भाई तेरे को तूफानों को चीरते हुए? मजा आ गया क्या? ऐसे चलाते रहेंगे तो दोनों पहुंच जाएंगे एक दिन ऊपर, जहाँ से आए थे उधर पहुंच जाएंगे।
तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद फिर मिलते हैं डायरेक्ट अभी कोलंबस में, क्योंकि बीच में कोई स्टॉप नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का रास्ता है।